नोबल पुरस्कार है, दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश वैज्ञानिकों को प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया गया। इसमें से 190 देशों में इस्तेमाल किया गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो नोबेल प्राइज विजेता है इसमें से दो अमेरिकन है और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया। अभी अगर हम लोग बात करें तो डेमिस हमाबिस है, जॉन जंपर है, साथ ही साथ यहाँ पे डेमिस हासाबिस है। तो ये तीन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको क्या किया गया है, पर्टिकुलर एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं कि जॉन जंपर के बारे में। जॉन जंपर कौन है? जॉन जंपर, डेमिस, तो जॉन, डेमिस और डेविड, तो जेडीडी केमिस्ट्री याद कर लो, जेडीडी केमिस्ट्री ऐसे याद हो जाएगा तुम लोगों को, तो जेडीडी केमिस्ट्री। तो जॉन जंपर की बात करें तो सन 1985 में इनका जन्म हुआ। शिकागो यूनिवर्सिटीज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद किया। इसके बाद अगर हम लोग डेमिस हसाबिस की बात करें तो 27 जुलाई 1976 में ब्रिटेन में इनका पैदावार हुआ। साथ ही शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ली गई। न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने दक्षता हासिल की। डेविड बेकर के बारे में देखें तो जन्म 6 अक्टूबर 1962 अमेरिका में हुआ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए और बायोकेमिस्ट के वैज्ञानिक के तौर पे जाने जाते हैं। बेसिक तौर पे इनका जो कैरियर है, गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के डीप माइंड में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे काम किए हैं। 2021 में साइंस मैगजीन नेचर की विज्ञान से जुड़े टॉप 10 लोगों में इनको शामिल किया गया था। डेमिस हसाबिस के बारे में बात करें तो लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी 2012 से लेकर 2019 तक इन्होंने पढ़ाई की, मतलब पढ़ाया है प्रोफेसर के तौर पे। डीप माइंड 2010 से अभी तक इन्होंने डीप माइंड में काम कर रहे हैं। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के डीप माइंड के फाउंडर भी रहे। ब्रिटिश सरकार की 2024 में नाइट की उपाधि भी मिल गई है, यानी कि इनको एक नाइट की उपाधि मिली गई है। 2017 में टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। डेविड बेकर कौन है? वाशिंगटन यूनिवर्सिटीज में इनका कैरियर शुरू किया गया और हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ये प्रोफेसर हैं। टाइम मैगजीन ने 2024 में हेल्थ सेक्टर में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में डेविड बेकर को शामिल किया। ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये तीनों को ही केमिस्ट्री के फील्ड में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेविड बेकर का जो एक प्रोटीन, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखो तो गोल गोल दिख रहा है ना, तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स है वो इसके वेरिएंट चेंजेस होते रहते हैं। इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे इन्होंने बताया है कि डेविड बेकर ने पूरी तरीके से एक नए प्रकार के प्रोटीन बनाने की लगभग असंभव उपलब्धि हासिल की, यानी कि एक प्रोटीन को बनाया गया नए तरीके से। बेकर ने लैब में एक अविश्वसनीय प्रोटीन बनाया जिसमें नैनो मटेरियल से लेकर 120 मटेरियल तक शामिल है और ये खुद से आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में खुद से जुड़ जाते हैं। क्लियर? साथ ही यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे कि डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर एक बैक्टीरियल एंजाइम को क्या करता है, एक एंटीबायोटिक को काम करने से रोकता है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, और एंटीबायोटिक यानी कि इम्यूनिटी जो पावर होती है या जो इम्यूनिटी होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसको एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बैक्टीरियल एंजाइम कहते हैं और ये एंटीबायोटिक को रोकने का काम करता है, यानी कि अंदर की इम्यूनिटी के खत्म करने का काम करता है। इस एंजाइम को काम करने का तरीका और समझने के तरीके के लिए डिजाइन करने के लिए डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स नए बनाए। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर मानव शरीर में एक विशाल मॉलिक्यूल संरचना का हिस्सा होता है। इस स्ट्रक्चर में 1000 से ज्यादा प्रोटीन झिल्लियां होती हैं और इसी झिल्लियों की मदद से
कोशिका के न्यूक्लियस के आसपास एक होल बनता है, जैसे कि ये, ठीक है। तो इस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो ये केमिस्ट्री इसमें डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर के बनाए गए प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, उनको दिया गया। 2023 के अगर केमिस्ट्री नोबेल प्राइज विजेता की बात करें तो माउंगी बवांडी लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को दिया गया, ठीक है, एलेक्सी एकिमो को दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आप सभी लोग जानते होंगे कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारतीय मूल के, भारत के तो नहीं है, भारतीय मूल के वेंकट रमन रामकृष्णन को एक केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये बताएं कि भारतीय मूल के वेंकट रमन रामकृष्णन को किस सन में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने साल 2000 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नाम की एक विधि का उपयोग कर किया था और केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहली महिला वैज्ञानिक का नाम जिसने क्या किया, नोबेल पुरस्कार जीता, जिनका नाम है मैरी क्वेरी, ठीक है, क्वीन मैरी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, मैरी क्वेरी कहते हैं ना, मैरी क्वेरी, तो मैडम क्वेरी के नाम से भी इनको बुलाया जाता था। तो मैडम क्वेरी को बेसिक तौर पे रेडिएशंस में रिसर्च करने के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ये पहली महिला वैज्ञानिक थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स के क्षेत्र में, कल हम लोगों ने आपको बताया कि फिजिक्स के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक दिया गया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन एफ होपफील्ड और जियोफ्री हिंटन, किसको, जे जे एच और जी, या आप ऐसे कह सकते हैं जे जी, तो जे जी से क्या निकल कर आ रहा है, जॉन जे होपफील्ड और जियोफ्री हिंटन, इनको दिया गया फिजिक्स का नोबेल प्राइज पुरस्कार 2024 का। ये बेसिक तौर पे मशीन्स में जो न्यूरल होते हैं, यानी कि मशीन के जो दिमाग का तंत्र होता है, या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नोड्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए न्यूरल नोड्स का इजाद किया है, इसको फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही आइए देखते हैं यहाँ पे जॉन जे होपफील्ड और जॉफ्री एच हिंटन, इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो 2023 के फिजिक्स नोबेल प्राइज विनर्स थे, पियरे अगस्टिन, फेरेंस क्लाउसेंस और एनी होलियर। साथ ही साथ हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन, 1930 में उनको सीवी रमन इफेक्ट के खोज की थी 1930 में, उसके लिए इनको क्या किया गया था, सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी दो वैज्ञानिकों को यहाँ पे दिया गया। तो अमेरिकी मूल के मेडिसिन के जो है, तो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन टू अमेरिकन साइंटिस्ट, मेडिसिन का नोबेल तो अमेरिकी वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला गया सम्मान। ये बेसिक तौर पे कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान करने में मददगार साबित होगा और इस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो गैरी रफकुन नाम है और विक्टर कैम्ब्रोज नाम है, क्या नाम है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रफकुन, इनको दिया गया है फिजिक्स मेडिसिन के क्षेत्र में, इनको पर्टिकुलर नोबेल प्राइज दिया गया। माइक्रो आरएनए क्या होता है, माइक्रो आरएनए बेसिक तौर पे जब हम लोग भ्रूण में होते हैं, यानी कि जो इंसान भ्रूण होता है, तो उसको इंसान को डेवलपमेंट करने में मदद मिलती है। माइक्रो आरएनए की वजह से ही इंसान और इंसान के शरीर की वृद्धि होती है, इसके बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। म्यूटेशंस, इसके म्यूटेशंस में कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर माइक्रो आरएनए की कमी होती है तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होती है और इम्यूनिटी से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो माइक्रो आरएनए की खोज से एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है कोविड-19 में, यानी कि जब कोविड-19 वैक्सीन बना था तो ये माइक्रो आरएनए की खोज की वजह से ही इसका इजाद किया गया था। चलिए ये सारी तो बातें हो गई, यानी कि अगर हम लोग अमेरिकी मूल के वैज्ञानिकों की बात करें तो ये जीन वैज्ञानिकों ने सन 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी।
माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए की मदद से ही काम करता है। माइक्रो आरएनए जो होता है वो मूल आरएनए का ही हिस्सा होता है, और नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने कहा था कि जो माइक्रो आरएनए टेक्नोलॉजीज से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया को कोरोना महामारी से निकल पाई, इसलिए मेडिसिन के क्षेत्र में इन दो अमेरिकन वैज्ञानिकों को क्या किया गया, ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया या नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 8.90 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, तब से 2024 तक मेडिसिन के फील्ड में 229 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकते, और सेल और टिश्यू डेवलप नहीं होंगे तो शरीर का जो आकार प्रकार है वो तिरछा मिर्चा। कई बार आप सभी लोग देखते होंगे कि ऐसे कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता, शारीरिक रूप से डेवलपमेंट नहीं होता है। तो शारीरिक रूप से डेवलपमेंट ना हो जाने का वजह यही होता है कि माइक्रो आरएनए का ना डेवलप हो पाना। ठीक है, इसके ऊपर खोज की गई और ये जो दो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोज की। ठीक है, आइए अब बात करते हैं डायनामाइट, यानी कि अगर देखा जाए अल्फ्रेड नोबल जिनका नाम है, ये अल्फ्रेड नोबल, ये इनकी वसीयत के आधार पर ये नोबल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड